ओके बेटा आगे जाएंगे। लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम देख रहे थे ना, विल गो फॉरवर्ड। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन दिख रहे सबको? यस सर। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन स्क्वायर टाइम्स साइन क्यूब फोर पाई बाई फोर एन प्लस टू साइन क्यूब टू पाई बाई फोर एन प्लस सो ऑन। ओके सो इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट एज ए लिमिट, ठीक है, ऑफ इन्फाइनिट सम, तो पहला काम क्या है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट एज ए, यू हैव टू एक्सप्रेस इट एज ए सिग्मा नोटेशन, एज ए समेशन, है सर नो? सो इसको समेशन सिग्मा नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन स्क्वायर टाइम्स सिग्मा क्या होगा, देखिए साइन क्यूब पाई बाई फोर एन पाई बाई फोर एन पाई बाई फोर एन सब में तो है, एक बार वन पाई बाई फोर एन टू पाई बाई फोर एन थ्री पाई बाई फोर एन सो हो रहा है ना, सो साइन ऑफ आर टाइम्स पाई बाई फोर एन लिख सकता हूँ, आर गोइंग फ्रॉम वन टू एन, है सर नो? इज इट क्लियर? इसके बाद और भी कुछ बचा है, वॉट इज इट? बाहर भी नंबर्स वन टू थ्री फोर सो ऑन अप टू एन, है सर नो? सो बाहर भी क्या आएगा, एक और आर आएगा, है सर नो? सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन आर साइन पाई बाई फोर एन, क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? सो फॉर्मूला में बाहर सिर्फ वन बाई एन होना चाहिए ना, मेरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई एन सिग्मा एफ ऑफ आर बाई एन, है सर नो? सिग्मा के बाहर सिर्फ वन बाई एन होना चाहिए, वन बाई एन स्क्वायर है यहाँ, तो मैं क्या करूँ, एक वन बाई एन को मैं अंदर भेज देता हूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाय एन टाइम सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन आर बाय एन साइन ऑफ पाई बाय फोर इंटू आर बाय एन, है सर नो? सो सिग्मा के अंदर सिर्फ आर बाय एन का फंक्शन है, बाहर वन बाय एन है, सिग्मा वन टू एन है, सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू वन वॉट एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स बाय फोर डी एक्स, है सर नो? जहां भी आर बाय एन है उसको आप एक्स से रिप्लेस करना है, सही है क्या नहीं? क्लियर? सो इसका इंटीग्रेशन करना आता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करिएगा, बाय पार्ट्स यूज करके कर सकते हैं ना, है सर नो? सो आई लीव इट हियर, एक बार इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने के बाद आपका काम है आगे लेके जाना, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। सर स्क्रीन थोड़ा सा हेजी है। हेजी आ रहा है क्या? हाँ सर। सेकंड देख रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में भी ऐसा ही हुआ था क्या, प्रवीण सर का क्लास में? नहीं सर। एक काम कर लेते हैं, इसको निकाल ही देते हैं।
हाँ ठीक है, आप ठीक आ रहे हैं? नहीं सर, हाँ? अभी भी थोड़ा हेजी है। अब तो हेजी नहीं होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा एक दो। थोड़ा ठीक यहाँ से तो ओके है बेटा, अभी तो हाँ सर, ठीक हुआ। ठीक हो गया ना, वही थोड़ा सा टाइम। हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में सर, जाएं, रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है बेटा, दूसरी जगह हो रहा है, ठीक है, जूम में नहीं हो रहा है आजकल। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/n इंटू 1+√(n/n)/3+√(n)/n+6+ so on। ओके सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व दिस अगेन? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो नो, 3/n बाहर है, सिग्मा आप बेसिकली देखिए, दिस इज वन इज नथिंग बट √(n/n), ऐसा नो, √(n/n+3r) है। कैन यू सी दिस? देखिए ये जो एन और एन, एन और एन, एन और एन सारा सेम है, जस्ट यहाँ 3 का मल्टीपल्स आगे जा रहे हैं, सो नो 3 टाइम्स समथिंग। सो आर इज इक्वल टू 0 to n-1, है सो नो, लास्ट में 3 के साथ n-1 है, फर्स्ट टर्म में आर के प्लेस में 0 है, n/n 1 हो गया। ओके सो ये 3 तो बाहर कर सकता हूँ लिमिट से, 1/n इजी है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n-1 भी स्टैंडर्ड है, रूट ऑफ अगर ऊपर नीचे n से डिवाइड किया तो 1/1+3 times r/n हो जाएगा, ऐसा नो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप n से डिवाइड किया तो क्या होगा? यस ऐसा नो ना, बाहर 1/n है, अंदर सिर्फ r/n का फंक्शन है, ऐसा नो। सो दिस इज नथिंग बट 3 times ∫0 to 1 व्हाट √(1/1+3x dx), ऐसा नो, जस्ट r/n के प्लेस में x पुट करना है। क्लियर है कि नहीं? सो बेसिकली 1/√(1+3x) है, सो 3 times 2√(1+3x), एक्स के प्लेस में 3x है, सो 3 एक्स्ट्रा आएगा, गोइंग फ्रॉम 0 to 1। हो गया आंसर, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सिग्मा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू 0 to n-1, 1/√(n²-r²), डायरेक्ट सिग्मा नोटेशन दे दिया, तो आपको क्या करना है इसमें? अगर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है तो बाहर एक 1/n होना चाहिए ना, ऐसा ना? सो 1/n बाहर ले लीजिए, रूट के अंदर क्या बचेगा अगर n बाहर कर लिया तो? रूट से 1 r/n² होगा, ऐसा ना? सो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, दिस नथिंग बट ∫0 to 1 1/√(1-x²dx), सिंपली साइन इनवर्स एक्स। ओके गोइंग फ्रॉम 0 to 1, आंसर π/2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। समझ में आया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए।
yes so limit as a definite integration as a limit of sum jo hai wo complete ho gaya theek hai now you have some miscellaneous questions okay kuch miscellaneous questions discuss karenge okay so ye dekhiye abhi chapter lagbhag complete hua ye questions kar sakta hai kya nahi dekhiye can you do these questions aapke liye questions hai ye इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स कॉट एक्स डी एक्स को पाई बाय 2 लॉग 2 प्रूव करना है एक बार क्वेश्चंस नोट करके ट्राई टू प्रूव देम क्या लग रहा है कर सकते हैं क्या नहीं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स कॉट एक्स कर सकते हैं आप ये मत सोचे कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का दिमाग लगाया तो कैसे होगा देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स कॉट एक्स डी एक्स देखते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज करके कर सकता है कि नहीं फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस अगर नहीं हुआ तब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जाना है ओके समझ में आ रहे सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एक्स के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं एक्स के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स सर नो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स ओके बट कॉट के अंदर पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट किया तो टैन एक्स हो गया ना अब इस दोनों को ऐड करने से भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा ऐसा ना अगर कॉट एक्स जो है वो कॉट एक्स ही रहा तो आपको थोड़ा सा फायदा मिल सकते थे ऐसा ना यस सो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बाई पार्ट्स करके आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करके इसके बाद डेफिनेट में आना पड़ेगा ओके क्लियर देखिए कर सकता है क्या नहीं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स यूज करके करना पड़ेगा ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है बाईपार्ट्स यूज करके यू हैव टू डू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देन गो फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन ट्राई कर लीजिए ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ इजी है ना ऐसा नो थर्ड एंड फोर्थ में टेक्निक क्या है थर्ड एंड फोर्थ में माइनस ए टू ए जैसा है अगर एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट किया तो एक माइनस बाहर आ रहे हैं सो डायरेक्टली इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा सो फर्स्ट दो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए आई विल गिव यू 2 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व देम
कुछ हो रहा है बेटा? हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे जाएंगे। कर हो गया तो सेकंड अभी हो जाएगा। ओके ठीक, सेकेंड क्वेश्चन बाई पार्ट से होगा शायद। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का दिमाग लगा सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो शायद हो जाएगा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन थीटा आ जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू। एक बार चेक कर लीजिए, ये जो माइनस पाई बाई टू लॉग टू हम डिराइव किया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, हाँ सर ऐसा नेक्स्ट पेज में जाओ। ये देखिए, ये भी कर सकते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m। एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, एक टू जो है ऊपर होना चाहिए। ओके ये टू पावर एम माइनस वन नहीं है, टू एम प्लस वन पूरा पावर में है। साइन पावर टू एम एक्स, कॉस पावर टू एम प्लस वन एक्स। ये भी इजी है क्या? नहीं, एक इंटीग्रल जीरो कैसे प्रूव करते हैं हम? जीरो टू ए, ऐसा नो, जीरो टू, अगर टू ए जैसा है सो एक्स के प्लेस में टू ए माइनस एक्स पुट कर सकते हैं ना, ऐसा नो। सो एक्स के प्लेस में पाई माइनस एक्स पुट किया तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, बट कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा, पावर ऑड नंबर, सो एक माइनस बच जाएगा ना, ऐसा नो। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, हेंस द इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू जीरो। ओके क्लियर? ये वाला, ये भी आपको सीधा दिख रहे हैं, ये भी ओरल क्वेश्चन है। एक्स के प्लेस में पाई बाई टू माइनस एक्स पुट किया तो क्या होगा? लॉग के अंदर कॉस एक्स और साइन एक्स एक्सचेंज होगा, लॉग में फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा, सो एक माइनस बाहर आ रहा है ना। सो यहाँ भी एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, हेंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? yes. अब
अब कभी कभी कैसे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चंस होता है बेटा, दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीटर, देख लीजिए। ये बोर्ड में नहीं आएगा बट जेई में आएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीटर। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स पावर बी माइनस 1 बाय लॉग एक्स टू द बेस ई, वेयर बी इज ए पैरामीटर। इसका मतलब बी एक कांस्टेंट है, समझ में आ रहे? बट अलग अलग बी के लिए इंटीग्रेशन जो है वो बी के टर्म्स में निकालना है। ओके, समझ में आ रहे? मतलब यू हैव टू फाइंड द आंसर एज ए फंक्शन ऑफ बी, यस और नो? समझ में सो ये डायरेक्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको बी पता नहीं है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में तो सोच ही नहीं सकता ना, यस और नो? सो ऐसा क्वेश्चंस कैसे करते हैं? दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइबनिट्ज़ थ्योरम। सो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स पावर बी माइनस 1 बाई एल एन एक्स डी एक्स, इसको एफ ऑफ क्या एज्यूम करना पड़ेगा मुझे? वॉट इज द आंसर ए फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है कि एफ ऑफ बी है? एफ ऑफ बी है ना, ऐसा ना? क्लियर? नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड एफ डैश ऑफ बी। एफ डैश ऑफ बी इज नथिंग बट डी बाई डी बी ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स पावर बी माइनस 1 बाई एल एन एक्स डी एक्स। ओके, क्लियर? सो ये लाइबनिट्ज थ्योरम का कौन सा केस में जा रहे हैं? लाइबनिट्ज थ्योरम का तीन केसेस देखे हैं ना हम, ऐसा ना? वी हैव सीन थ्री केसेस ऑफ लाइबनिट्ज थ्योरम। वो तीनों केसेस में कौन सा केस है? ये जनरल केस है या सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट केस है या सेकंड केस है? ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड केस है, क्योंकि लिमिट्स जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। अंदर ये जो डिफ्रेंसिएशन वेरिएबल भी है और इंटीग्रेशन वेरिएबल भी है, सर नो? समझ में? सो क्या करना पड़ेगा? जस्ट ये डी बाई डी बी को अंदर लेके जाना पड़ेगा ना, सर नो? डो बाई डो बी करके, क्लियर है कि नहीं? सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 डो बाई डो बी ऑफ एक्स पावर बी माइनस 1 बाई एल एन एक्स डी एक्स। ओके, क्लियर? डो बाई डो बी का मतलब है हमको सिर्फ बी को वेरिएबल लेना है, नीचे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ऐसा नो? सो वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना, ये एल एन एक्स कॉन्स्टेंट बनेगा ना, ऐसा नो? क्योंकि सिर्फ बी वेरिएबल है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ऐसा नो? सो एक्स पावर बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू बी? एक्स पावर बी बी इंटू एक्स पावर बी माइनस वन होगा या एक्स पावर बी लॉग एक्स होगा? हाँ, ये अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल, ये ए पावर एक्स जैसा है। सो एक्स पावर बी लॉग एक्स डी एक्स, समझ में आ रहे? अच्छे से लॉग एक्स कैंसिल हो गया ना, क्लियर? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स पावर बी डी एक्स, यस और नो? विच इज इक्वल टू, अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना? अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? एक्स है, यस और नो? इंटीग्रेशन की तरफ से बी इज ए कॉन्स्टेंट, सो एक्स पावर बी प्लस 1 बाय बी प्लस 1, सही है क्या? नहीं, 0 टू 1, क्लियर और नॉट? यस सर। सो लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 1 बाय बी प्लस 1 आ रहे हैं, यस और नो? यस।
So f dash of b is equal to 1 by b plus 1, okay? हमको क्या निकालना है? You have to find f of b, right? So what is f of b? Integration of 0 to 1, 1 by b plus 1 dx, yes or? B plus 1 db, clear है क्या नहीं? Which is equal to ln of b plus 1, yes or no? बट हम गलत किया, ये 0 टू 1 लिमिट्स तो नहीं आएगा ना, क्योंकि f डैश ऑफ b इज 1 बाई b प्लस 1, f ऑफ b 0 टू 1 तो नहीं है, सही है कि नहीं? सिर्फ जस्ट इंटीग्रेशन है, क्लियर? इट इज जस्ट एन इंटीग्रल, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई b प्लस 1 db, विच इज इक्वल टू ln ऑफ मॉडुलस ऑफ b प्लस 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ऐसा ना? यस सर, बट इज f ऑफ b ए डेफिनेट नंबर और एन इनडेफिनेट नंबर? देखिए क्वेश्चन में इसको हम f ऑफ b मान लिया ना, जो क्वेश्चन में व्हाट इज f ऑफ b? डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पावर b माइनस 1 बाई ln x dx, ऐसा नो? इज इट ए फिक्स्ड नंबर और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो सकते हैं? फिक्स्ड नंबर है ना, ऐसा नो? यस और नो? Is f of b should be a fixed number, सही है क्या नहीं? सर b जैसे हाँ वैसे वैसे function भी कुछ change करेगा। क्या है? सर b का value जैसे जैसे change करेगा वैसे function भी तो change करेगा। हाँ नहीं नहीं function change नहीं होगा। मतलब x power b वाला जो term है वो तो change नहीं है। हाँ मतलब जो भी है वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ बी, बी कुछ भी हो, इसका इंटीग्रेशन का आंसर हर बार एल एन बी प्लस वन प्लस के आएगा। ये तो बी का फंक्शन ही है ना, बी चेंज हो रहे तो आंसर चेंज हो रहा है ना, ऐसा ना? अब ये के भी निकालना पड़ेगा आपको, ये के कैसे निकलेगा? बिकॉज एफ ऑफ बी में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ बी इज ए डेफिनेट इंटीग्रल, ऐसा ना? सो ये के कैसे फाइंड करिएगा? सो ये के फाइंड करने के लिए आप कुछ बी का स्पेसिफिक वैल्यूज लेके वैल्यू इक्वेट करना है। फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू जीरो है, तो इफ बी इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? देखिए एक्स पावर जीरो कितना है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन देख लीजिए, अगर बी जीरो है तो वन माइनस वन बाई लॉग एक्स, ऐसा नो? बी yes, जीरो है तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी एक्स है, yes or no? yes. इसका मतलब आंसर जीरो आना चाहिए ना, बी इक्वल टू जीरो है तो आंसर जीरो आना चाहिए, yes or no? yes, so, आप एफ ऑफ बी में बी इक्वल टू जीरो पे आंसर जीरो आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, yes or no? so, इस इक्वेशन में बी इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए दोनों तरफ, so f of 0 is equal to ln 1 plus k, yes or no? f of 0 is equal to ln 1 plus k, इसका मतलब 0 equal to 0 plus k आ रहे हैं, which implies k equal to 0, ऐसा आप कभी किया है फिजिक्स में इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का तरीका? कोई भी एक पर्टिकुलर केस में वैल्यूज इक्वेट करना है, सो k equal to 0, ओके? Hence, k equal to 0, hence what is f of b? f of b kya hai? f of b is simply ln
प्लस वन, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस अगेन इंटीग्रेशन 0 टू 1 टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज ए पैरामीटर, वेयर ए इज ए पैरामीटर दिस टाइम। ओके सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइबनिट्ज़ थ्योरम। ओके सो इसको आप क्या है बेटा क्या कुछ स्क्रीन में क्या चल रहा है? ओके स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? एक बार एंड करके फिर रिजॉइन कराऊं? ये स्टक हो गया जूम जो है। एक बार मैं भी एंड करके फिर शुरू करता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? यस। इंटीग्रेशन 0 टू 1 टैन इनवर्स ऑफ ax बाय x रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx वेयर a इज ए पैरामीटर दिस टाइम। ओके सो इसको आप f ऑफ a मान सकते हैं। क्लियर? सो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी ए ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 टैन इनवर्स ए एक्स बाई एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके सो आप लाइबनिट्ज़ थ्योरम यूज करके ये डी बाई डी ए जो है वो अंदर भेज सकते हैं डो बाई डो ए बना के। ओके which is equal to integration 0 to 1, 1 by x root 1 minus x square, वो तो constant है, उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके वॉट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan inverse x? tan inverse ax का डिफ्रेंसिएशन क्या है? देखिए यहाँ a इज ए वेरिएबल, x इज ए कॉन्स्टेंट। ओके टैन इनवर्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होगा। समझ में आ रहे? सो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। हाँ बोलिए बेटा। टैन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, सो टैन इनवर्स ए एक्स का वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन यूजुअली ए होता है अगर ए कॉन्स्टेंट एक्स वेरिएबल है तो, बट इस बार ए वेरिएबल है एक्स कॉन्स्टेंट है। ओके
अब कुछ आइडियाज है इसके बाद क्या करेंगे? इस बार तो अच्छा सा कैंसिलेशंस नहीं हुआ। इस बार क्या करेंगे? कुछ आइडियाज लग रहे हैं? बाय पार्ट्स नहीं कर सकते। बाई पार्ट्स, वही दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब इतना इजी तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? कुछ या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन करके सिंपलीफाई करें क्या? कुछ ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन करके। अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो? लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा ही पुट करना है ना, या साइन थीटा? दोनों में कुछ ना पुट करना पड़ेगा ना, ये सर नो? साइन थीटा पुट कर लेंगे, बेटर है। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सो डी एक्स क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा, सो लिमिट्स क्या हो जाएगा? 0 to π/2 हो जाएगा। टैन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा डी एक्स के प्लेस में कॉस थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, सही है? कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 टैन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। ओके अगर आप डी बाई डी ए किया तो टैन इनवर्स का 1/1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, शायद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ओके है ना? सो इसके बाद क्या करेंगे? ये एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए है, ओके। सो एफ डैश ऑफ ए कितना होगा? व्हाट इज एफ डैश ऑफ ए? 2/2 करके अंदर लेके जाना पड़ेगा, ऐसा ना? 0 to π/2 फिर स्टक हो गया क्या वीडियो? हाँ सर। सो अपने से आगे लेके जाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ, 0 to π/2
डो बाय डो ये किया तो साइन थीटा नीचे वाला साइन थीटा कांस्टेंट है ना, सो कुछ करने का जरूरत नहीं है ऐसा नो। टैन इनवर्स ऑफ समथिंग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ए 1/1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा नो इंटू ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन थीटा इस बार कांस्टेंट है, ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा, ओके साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्लियर। सो क्या बचा है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 फॉलो कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/a² साइन स्क्वायर थीटा बचा है। हाँ सर। इसको क्या करिएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सोचा तो ये तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर्स ऑफ साइंस है ना, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा ना। वहां तक समझ में आया जहां तक मैं बोल रहा हूं? इसके बाद आपको क्या करना है, टैन थीटा इज इक्वल टू समथिंग लेना पड़ेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू टी ले लीजिए, सो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो डी टी में चला जाएगा, 1 + t² प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स 1 + a² डी टी। सबको सब लोग फॉलो कर रहे हैं जहां तक मैं आया था? यस सर। ओके, मुझे जो दिख रहा है 0 to ∞ 1/1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स 1 + a² दिख रहा है मुझे, यस और नो। सो ये तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, 1/1 + a² फॉर्म में है ना, ऐसा नो। ये तो 1/a टैन इनवर्स x / a इसका इंटीग्रेशन, ऐसा नो। सो 1/√1 + a² 1/a टैन इनवर्स ऑफ t/√1 + a² प्लस सम कांस्टेंट k, समझ में आ रहे, 1/a a इज √1 + a² क्योंकि जब इंटीग्रेशन कर रहे a इज अ कांस्टेंट, जब डिफरेंशिएशन कर रहे थीटा इज अ कांस्टेंट, समझ में आ रहे, 1/√1 + a² टैन इनवर्स ऑफ t/√1 + a² ओके गोइंग फ्रॉम 0 to ∞ ऐसा नो। सर 1/1 टाइम्स है ना, क्या है 1/1 टाइम्स है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टैन इनवर्स ऑफ एक्स / a 1/a, सो ए का मतलब √a² + b 1/√1 + a² होगा ना, क्या कुछ डाउट लग रहा है क्या? यस सर, यहाँ पे हम लोग का ए स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर के साथ है ना। हाँ, मतलब टी इनटू रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर इनटू वन प्लस ए स्क्वायर है ना, इसका मतलब टी इनटू रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम 1/1 + x² से कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आया? हाँ सर, ओके 1/√1 + a² नहीं आएगा ना,
वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ, ओके सही सही बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्टली टैन इनवर्स ऑफ टी रूट वन प्लस ए स्क्वायर है सर, बट बाद में बाई रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि टी इंटू रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर है ना, सो टी को रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो उसके डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, यस और नो, एक्स के प्लेस में एक्स इंटू समथिंग है सो उससे डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ओके यस, सो अब इन्फिनिटी पुट किया तो टैन इनवर्स ऑफ टी के प्लेस में इन्फिनिटी पुट किया तो टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है ना, विच इज पाई बाई टू, वन बाई रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर जो है वो कॉमन है, वो तो कॉन्स्टेंट है ना, दैट डजेंट डिपेंड ऑन टी, सो इन्फिनिटी सब्शूट किया तो पाई बाई टू आएगा, जीरो सब्शूट किया तो जीरो आएगा, सो इफेक्टिवली पाई बाई टू इंटू वन बाई रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर आ रहे हैं, ओके क्लियर है क्या नहीं, सो एफ डैश ऑफ ए क्या आ रहे हैं, वॉट इज एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए इज पाई बाई टू रूट वन प्लस ए स्क्वायर, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ, यस सर, ओके सो हमको एफ डैश ऑफ ए आया पाई बाय टू रूट, पाई बाय टू रूट वन प्लस ए स्क्वायर, सबको यही आया एफ डैश ऑफ ए, सो एफ ऑफ ए इज इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब पाई बाय टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर डी ए, दैट इज इक्वल टू पाई बाय टू इंटू वन बाय रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एल एन ऑफ ए प्लस रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ना, सही है, प्लस सम कांस्टेंट के, एफ ऑफ ए है ना ये, बट एफ ऑफ ए इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन टैन इनवर्स ऑफ ए एक्स बाय एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो के निकालने के लिए ए के प्लेस में इस बार क्या सब शूट करना है, ए के प्लेस में जीरो सब शूट करना है ना, ए के प्लेस में जीरो सब शूट किया तो पूरा इंटीग्रल जीरो हो रहे हैं, सो एफ ऑफ ए इज जीरो, सो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, यस और नो, सो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो यूज किया तो के का वैल्यू जीरो आ जाएगा, so effectively the answer is f of a is equal to pi by 2 ln mod of a plus root of 1 plus a square, that's the answer, aaya sabko, clear hai, सर हाँ बोलिए बेटा, सर डाउट था, कौन सा डाउट है, मतलब कुछ और डाउट है क्या इसमें, डाउट है नहीं सर, दूसरा डाउट, ओके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है बेटा, आप लास्ट क्लास में बोल रहे थे ना डाउट्स है, सभी डाउट्स पूछ लीजिए, सर व्हाट्सएप में भेज दिए, व्हाट्सएप में भेजा है क्या,
देखने दीजिए। सर ऐसा ऐसा एक दो क्वेश्चन और करवा दीजिए, फिर लास्ट में रोक दीजिए। क्या है बेटा? सर ऐसा ऐसा और क्वेश्चन करवा दीजिए और नहीं, फिर लास्ट ऐसा लास्ट सवाल में। ज़्यादा नहीं होता है बेटा। आप बुक में भी मुझे 2 ही मिला, बहुत रेयरली पूछता है ऐसा। बट प्रोसेस समझ में आया ना आपको? हाँ सर प्रैक्टिस। हाँ, अगर आप अरहंत वाला बुक से प्रैक्टिस कर रहा होगा ना। कौन सा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सिंगेज हाँ, सेंगेज में तो आप ढूंढ सकते हैं, बहुत होगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 12th मुझे तो कुछ अनिकेत राय। ओके, ये वाला आपका एडवांस का क्वेश्चन है ना बेटा, सब कुछ जो सेंड किया है वही प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है ना सारा? एनटी अभ्यास का है। एनटी एनटी अभ्यास का सर पेपर रिलीज किया है सर एनटीए। ओके ओके, बोला कि ये तो वीडियो तो स्टक ही हो गया। काम करता हूँ आज के लिए, क्या कर सकता है इसको। बेटा आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, आज वीडियो काम नहीं कर रहे। ओके, सबको तो क्वेश्चन तो मिल गया होगा आपका व्हाट्सएप में ग्रुप में, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3m प्लस एक्स टू द पावर 2m प्लस एक्स टू द पावर m इंटू 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 2m प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर m प्लस 6, वो होल पावर 11m है क्या बेटा? ऊपर 1/n। हाँ, होल पावर 1/n। ओके, इफ m इज एनी नेचुरल नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। बेसिकली इसका इंटीग्रल dx करना है। क्वेश्चन सबके पास है? व्हाट्सएप में देख रहे हैं क्वेश्चन बेटा? ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इधर उधर करके एक ब्रैकेट में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा ब्रैकेट वाला निकाल लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यू हैव टू मेक ए फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशियल इन द साइड। ओके, सो वो कैसे करना है वो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सो मुझे भी याद नहीं है तो सोचना पड़ेगा। देखिए क्या कर सकता हूं मैं। अगर फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स पावर एम मान लीजिए मैं बाहर कर लेता हूं। ओके, अगर फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स पावर एम बाहर कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स पावर 2m प्लस एक्स पावर m प्लस 1 मिलेगा, है सर? नो, यहाँ ये 6 है, 3 है, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको? यस और नो? सर हम फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्स बाहर लिए, एक्स पावर एम फर्स्ट ब्रैकेट में से, फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्स पावर एम बाहर किया,
तो क्या बचा है बोलिए, तो से रेस्पॉन्ड करिए, मुझे दिख नहीं रहे ना ज़्यादा, आप बोलते रहना है। सर अपने से उधर स्क्रीन दिखने लगा तो सर समझ नहीं आ रहा था क्या है बेटा, क्या अपने तरीके से ट्राई कर रहे थे सर, एक्स पावर बाहर लिए फिर एक बार जो मैं बोल रहा हूँ करते रहिए, आप जो कर रहे हैं वो फिर हौच पौच हो जाएगा ना, कुछ दिख नहीं रहा ना मुझे। ओके सर ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ करिए, इस काम किया तो अच्छा है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्स पावर एम कॉमन लिया तो एक्स पावर टू एम प्लस एक्स पावर एम प्लस वन बचा है। ओके यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ब्रैकेट में से पहला पावर वन बाई एम जो है ना वो वैसा ही रहने दीजिए, सेकेंड ब्रैकेट में से एक सिक्स बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर ही, पावर वन बाई एम बाहर मत करिए, जो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर अगर सिक्स बाहर किया तो एक्स पावर टू एम बाई थ्री आएगा, एक्स पावर एम बाई टू आएगा, प्लस वन आएगा। ओके होल पावर वन बाई एम, समझ में। ओके इसके बाद आप सिक्स पावर वन बाई एम को अलग कर सकते हैं, ऐसा नो इससे कुछ फायदा मिलेगा या नहीं? इससे कुछ फायदा मिलेगा? अब मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्स पावर वन बाई एम है ना ये, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, काम नहीं कर रहे, जो मैं बोला था वो काम नहीं कर रहे, थोड़ा सा देखने दीजिए। बेसिकली आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है, सेकंड ब्रैकेट में से एक्स पावर एम बाहर किया तो मुझे टू टाइम्स एक्स पावर एम प्लस थ्री प्लस सिक्स टाइम्स एक्स पावर माइनस एम होल पावर वन बाई एम बचेगा, एक एक्स बाहर किया तो टू थ्री सिक्स को एडजस्ट करना है मुझे। फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया तो 3m x पावर 3m माइनस 1 प्लस 2m x पावर 2m माइनस 1 प्लस m x पावर m माइनस 1, m कॉमन लिया तो m बाई x कॉमन लिया तो 3x पावर 3m प्लस 2x पावर 2m प्लस x पावर m, एक्स पावर एम से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर आप बोलिए बेटा, आप क्या ट्राई किया? हम लोग एक्स की पावर एम सर बाहर लिए ना, सर फिर उसको जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें सर मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट से एक्स पावर एम लेके सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, वही है क्या? यस सर। हाँ तब कुछ हुआ जो आया उसको टी मान के फिर सर डिफरेंशिएट कर रहे थे, और ये इस वाला डीटी में चला गया क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, मिसली वही आपको एग्जैक्टली आया तो आया है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा, मतलब आया है क्या नहीं इसके बाद? सर एक दो मिनट लगेगा। हाँ
थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं, अभी कर रहे कि या पहले किया है? वो कर रहे थे पर सर फिर आप बोले कि आपके वाल से करने से तो फिर वो ओके छोड़ ओके, दिया। मतलब लगभग वही कर रहा था ना, मैं भी वही सोच रहा था, यहाँ से पहले से एक्सपोरियम लेके दूसरे में दे दूँ। ये एक्चुअली एडवांस्ड का, लास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चंस में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्या करेंगे इसमें, 2mm, सर सर वो जो फिर उसको जो डिफरेंशिएट किए ना सर फिर उसमें 6m सर बार टू द पावर 3m-1 + 6m मतलब अगर 6m हम लोग उस वाले में से कॉमन ले लेंगे तो सर फर्स्ट वाला ब्रैकेट सर उसका आ जाएगा, फर्स्ट वाला ब्रैकेट में सर t^1/m/6m आ जाएगा, एग्जैक्टली मतलब मैच हो रहे हैं, 2/6m आ जाएगा बस कोई कांस्टेंट्स तो उसको बाद में मैच आपसे करा बात सकते हैं। करते हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट में से एक्सपोरियम निकाल के सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था ना, वही है ना यस इफेक्टिवली। सर सो फर्स्ट ब्रैकेट में एक्सपोरियम बाहर किया तो x^(m+1) बचेगा, यहाँ 2x^(2m+1) + 3x^(m+1) + 6x \(1/m). इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या किया बेटा सेकंड सेकंड ब्रैकेट में इसके बाद? सर सेकंड ब्रैकेट में सर जो आया सर x/m उसमें मल्टीप्लाई करके फिर सर उसको टी ले लिए फिर सर उसको डिफरेंशिएट किए सेकंड वाले चीज को एक सेकंड x से देखिए, मल्टीप्लाई एक सेकंड, फर्स्ट में से एक्सपोरियम लेके अंदर भेजा है सेकंड वाले का, करके इसके बाद 2x^(2m+1) + 3x^(m+1) ऐसा आ रहा है ना? उसको सर डिफरेंशिएट किए सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट ब्रैकेट में से x^m शायद नहीं है, सिर्फ x लेना पड़ेगा आपको। सर हम तो एक्सेम लगभग आ गया सर थोड़ा सर वो एक्सेम फर्स्ट वाले ब्रैकेट से बाहर निकाले फिर सर उसको जो दूसरा वाला ब्रैकेट है सर उसमें मल्टीप्लाई कर दिए और सर उसके बाद फिर जो दूसरा वाला ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट आएगा ना उसको सर हाँ, अब डिफरेंशिएट किए हो गया बेटा। हाँ सही, मेरा देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में से x^m नहीं, सिर्फ x निकाल के दूसरा ब्रैकेट में देना है, तब डायरेक्टली हो रहा है दूसरा स्टेप में। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में से x^m नहीं लेना है, सिर्फ x लेके बाहर इसको दूसरे ब्रैकेट के अंदर भेज दीजिए, तब जो भी अंदर ब्रैकेट में बच रहा है ना उसका डिफरेंशिएशन बाहर मिल रहा है मुझे। किसी का हुआ है? यहाँ मेरा लगभग हो गया, मेरा भी हो गया क्या? है। रौनक, प्रेरणा, शांतनु,
देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में से x निकाल के दूसरा ब्रैकेट के अंदर भेजना है, दैट्स द टेक्निक। और किसी का हुआ है सेकंड? सर बाहर का कोएफिशिएंट्स तो बच जा रहा है ना, वो कोएफिशिएंट्स तो कांस्टेंट्स है ना बेटा, कांस्टेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ना आप, मतलब कांस्टेंट 6m एक्स्ट्रा आएगा, वो 6m तो कांस्टेंट तो निकल सकते हैं ना आप। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं भेजा हूँ स्टेप जो है, जो मुझे स्टेप आया था वो मैं भेजा हूँ, सब लोग देख पा रहे हैं? एक बार इसमें देख लीजिए। देखिए x मान लीजिए बाहर कर लेते हैं फर्स्ट में से, वो x अब जब सेकंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा x पावर m बन के जाएगा, क्योंकि बाहर पावर 1 बाय m है ना, सो वो 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस 6x पावर m हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन अच्छा सा बगल में है 6m छोड़ के, है सर नो? यस सर। वो 6m कांस्टेंट है, उसका एडजस्ट करना है, समझ में आ रहे? यस ओके गुड। नेक्स्ट पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है क्या? क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्वेश्चन रिपीट करना आपका व्हाट्सएप में है ना इंटीग्रेशन? हाँ एक्स कॉस इनवर्स वाला है। हाँ सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसमें फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू शायद क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर, एक्स इक्वल टैन थीटा काम करेगा ना, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यस और नो? एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट किया तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन थीटा इंटू 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट स्टेप कोई किया, x इक्वल टू टैन थीटा पुट करना है। यस सो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टैन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ रहे, सबको वही आ रहे x इक्वल टैन थीटा पुट करने के बाद? इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स थीटा टैन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आया? यस आया किसी को? सेकेंड क्वेश्चन, सो ये तो बाई पार्ट्स हम किए हैं ना, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, टैन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो उसको इंटीग्रेशन करना है, थीटा को डिफरेंशिएट करना है, मतलब यू इंटीग्रल वी वाला, ऐसा ना? ओके सर, ये तो बाई पार्ट से हो जाएगा ना, सेकंड मतलब थीटा टैन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई पार्ट से हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन सब लोग देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसा नो?
इसका भी स्टैंडर्ड टेक्निक है, वेन एवर यू हैव रेडिकल्स क्या करना पड़ेगा, रेडिकल्स को निकालने के लिए कोशिश करना है ना। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई बोल सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू वॉट? टी पावर सिक्स। ओके, क्योंकि एक स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है ना, दोनों निकालना है ना, ऐसा ना? यस सर। एक्स इक्वल टी पावर सिक्स पुट किया तो देखिए मुझे जो आ रहा है 6 इंटू टी पावर 5 डी टी ऊपर बाय टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। 6 बाहर चला जाएगा, एक टी स्क्वायर कैंसिल होके ऊपर टी क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहां तक आया? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 6 टाइम्स टी क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहां तक आया नहीं? डिनोमिनेटर में क्या बोला? 1 प्लस टी स्क्वायर आया, नहीं सॉरी 1 प्लस टी आया। बहुत अच्छा है, 1 प्लस टी तो और अच्छा है। तो ये तो ऊपर का डिग्री बड़ा है ना, सो क्या करिएगा इसमें, फर्स्ट डिवाइड करिएगा। ये तो सबसे पहला क्लास वाला क्वेश्चन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, पहला डिवाइड करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखना है, ऐसा ना? प्लस वन माइनस वन करके शायद वही है, एफिटली वो तो वही है, प्लस वन माइनस वन ही करना है। प्लस वन माइनस वन किया तो क्वोशेंट आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और वन बाय वन प्लस टी, हो गया ना, हो जाएगा इंटीग्रेशन। और कुछ क्वेश्चंस है? 20a + b + c + d मांग रहा सर, वो गलत आ रहा है। क्या है बेटा पूरा क्वेश्चन सर? लास्ट में उसको इंटीग्रेट नहीं करना सर, वो 20a + b + c + d का वैल्यू पूछा है। हाँ तो आप कंपेयर करना है, 6 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या आया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, ऐसा नो? हाँ माइनस टी का माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, ओके माइनस एलन ऑफ 1 प्लस टी, सबको यही आया? यस सर। क्लियर? सो इफेक्टिवली मुझे जो आ रहा है यहाँ 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम्स 6 रूट ऑफ एक्स माइनस एलन ऑफ 1 प्लस 6 रूट ऑफ एक्स, सबको यही आया? नंबर्स मैच किया? 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम्स 6 रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ ln माइनस 6 टाइम्स ln 1 प्लस 6 रूट ऑफ एक्स, किसी का मैच हुआ मेरे नंबर से? जो आंसर आने के बाद टी के प्लेस में वापस 6th रूट ऑफ एक्स पुट करना है। 6th वाले का क्या सर कोफिशिएंट बोले? 6th रूट ऑफ एक्स का 6 आ रहे हैं। यस और नो? सो मेरे हिसाब से ए का वैल्यू जो है मुझे 2 आया, बी का वैल्यू माइनस 3 आया, सी का वैल्यू 6 आया, डी का वैल्यू माइनस 6 आया, दिस इज व्हाट आई गॉट। अगर वो सारा वैल्यूज है तो आप नंबर निकाल दीजिए 20a + जो भी आंसर आ रहे हैं। 37 सही है क्या आंसर? और भी शायद कुछ क्वेश्चंस है कुछ लोगों का।
और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, व्हाट्सएप में सेंड कर लीजिए। ओके okay, मैं वो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं सेंड किया था, वह देख लीजिए। और कुछ क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में सेंड कर लीजिए। सर भेज दी हो गया? ओके भेज दिया। हाँ सर, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चंस? सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ एल डैश एक्स मीन्स सॉरी एल आर एक्स मीन्स लॉग ऑफ लॉग एक्स रिपीटेड आर टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एल एक्स इंटू एल टू एक्स इंटू एल थ्री एक्स सो ऑन एल आर एक्स होल पावर माइनस वन डी एक्स। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर माइनस वन का मतलब क्या है? वन बाय एक्स एल एन एक्स एल टू एक्स एल थ्री एक्स सो ऑन एल आर एक्स, ऐसा ना? सो ये दिखने रहा क्या? ये लास्ट वाला एल आर एक्स को अगर टी मान लिया तो एल आर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मतलब log of log x का differentiation कैसा आएगा? one by log x into one by x ऐसा ना? one log of log x का differentiation क्या है? मतलब पहला दो बार log आएगा denominator में, इसके बाद एक बार log आएगा, इसके बाद x आएगा, ऐसा ना? तो L R x को t मान लिया तो बाकी पूरा expression क्या होगा? उसका differentiation होगा, ऐसा ना? अच्छा, हाँ सर, समझ गया। सो बेसिकली ये 1 बाई टी डी टी हो गया। हाँ सर, अगर एल आर एक्स को अगर टी मान लिया तो ये 1 बाई टी डी टी हो गया, है सर इंटीग्रेशन। सो आंसर क्या होगा? एल एन ऑफ टी, है सर? इसका मतलब एल एन ऑफ एल एन आर ऑफ टी, इसका मतलब आर लॉग्स ऑलरेडी है, एक और लॉग करना है, तो क्या होगा आंसर? एल आर प्लस वन ऑफ एक्स, समझ में आ रहे? क्लियर? हाँ सर। फोर्टींथ, बाकी लोग को समझ में आया बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यस।
So next 14th question, integration of 1 by root of sin cube x into sin of x plus alpha. ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आंसर देख के समझ में आ सकते हैं. ठीक है, आप ध्यान से देखा तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा है ना. यस और नो? अगर आप साइन क्यूब है ना, देखिए आपको यूजुअली एक साइन एक्स बाहर करने का आइडिया तो आएगा. यस और नो? मतलब अंदर से साइन स्क्वायर बाहर गया तो बाहर एक साइन एक्स आएगा ना. साइन एक्स आएगा. बट यहाँ क्या करना है, साइन स्क्वायर को बाहर करना है. अगर साइन स्क्वायर को अगर बाहर कर लेते हैं, रूट के अंदर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई साइन अल्फा साइन एक्स आएगा. यस और नो? सो वन बाई साइन स्क्वायर जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर होगा. यस और नो? सो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉटेक्स जो भी है कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन है. सो आप जो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ साइन एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई साइन अल्फा एक्सपेंड किया तो इन टर्म्स ऑफ कॉटेक्स आ जाएगा. साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा कर लीजिए, बाई साइन एक्स किया तो कॉटेक्स के टर्म्स में आ जाएगा. सो इसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में है उसको टी ले लीजिए, ऊपर डी टी हो जाएगा. समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन सबको देख दिख रहे हैं. पाई, पाई का मतलब पता है उसमें? 35th क्वेश्चन में पाई का मतलब है कंटिन्यूस प्रोडक्ट है बेटा, जैसा सिग्मा कंटिन्यूस समेशन होता है ना. गिवन दैट पाई ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू पावर एन इज दिस, वो तो फॉर्मूला है. ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इफ नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, अगर पाई बाई टू है तो टू बाई पाई है. ओके ओके गुड. सो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ना. हाँ सर. या कुछ दिमाग लगाया या मतलब पूरा ब्लैंक है, मतलब कुछ सोचा है? f of x is equal to, ध्यान से देखिए, limit n tends to infinity sigma n is equal to 1 to n 1 by 2 power n tan of x by 2 power n. Yes or no? बेसिकली इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एट पाई बाय टू. सो बेसिकली आपको लिमिट पाई बाय टू पे फाइंड करना है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू. है सर? नो? सो ये क्या है, सिग्मा को एक्सपेंड किया तो क्या आएगा आपको? वन बाई टू टैन ऑफ एक्स बाई टू. है सर? नो? प्लस वन बाई फोर टैन ऑफ एक्स बाई फोर प्लस वन बाई एट टैन ऑफ एक्स बाई एट, ऐसा आएगा ना आपको. प्लस सो ऑन वन बाई समथिंग टू पावर एन टैन ऑफ एक्स बाई टू पावर एन, बेस यही है. सो इफेक्टिवली यू हैव टू फाइंड ए वे सच दैट यू कैन यूज द अबव फॉर्मूला. ऐसा नो? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा. सो क्वेश्चन टैन में है, फॉर्मूला कॉस में दिया. ये सम फाइंड करने के लिए कुछ तरीका ढूंढना है.
टैन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सॉल्यूशन दिया गया है क्या इसका? हाँ सर दिया है। ये तो मैनिपुलेशन क्वेश्चन है बेटा, आप ऐसा क्वेश्चंस में सॉल्यूशन तो देख सकते हैं। वो मैनिपुलेशन अगर आइडिया आया तो आया है। वो सम कैसे भेज किया? दे सर सॉल्यूशन भेज दे सॉल्यूशन भेज दे सर हाँ सेंड कर दे। हाँ चेक कर लीजिए, सम कैसे किया है देख लीजिए। वो सम का ही मैनिपुलेशन है ना क्वेश्चन। सर वो समेशन वाला को 1/2 पावर एन कॉट एक्स बाय 2 पावर एन माइनस कॉट एक्स करिए। क्या है? सर समेशन वाला जो टर्म था टैन एक्स वाला हाँ उसको 1/2 पावर एन कॉट एक्स बाय 2 पावर एन माइनस कॉट एक्स लिखो। कॉट 1/2 पावर एन। एक्स बाय 2 पावर एन हाँ माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स ऐसा दिया था क्या? हाँ ओके आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है ना, शायद टैन एक्स माइनस कॉट एक्स जो है ऐसा, कॉट टू एक्स ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, याद है? टैन एक्स माइनस कॉट एक्स करके देखिए एक बार क्या आएगा। टैन एक्स माइनस कॉट एक्स जो है साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स होता है। दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस टू एक्स बाई साइन टू एक्स बाई टू। हाँ ये आ रहा है। सो टैन एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉट टू एक्स होता है सर। इसका कुछ अप्लाई किया था क्या ये? क्या कर सकते हैं? टैन एक्स इज इक्वल टू, सो इसने पहला क्या किया? सर हम सॉल्यूशन भेज दे रहे हैं। कुछ आपको समझ में आया सॉल्यूशन? खास नहीं सर। ठीक है भेज दीजिए। सर भेज दिए। हाँ एक सेकेंड देख, नहीं इसमें वो डेरिवेशन नहीं दिया ना, मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसके बाद। हाँ सर वैसे ही। बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई किया ना इसने, यस सर। तो ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला डिराइव किया तो बाकी सब तो हो गया ना आपका।
मतलब फॉर्मूला था, वही पता नहीं, समझ नहीं पाया फॉर्मूला कैसे किया। हाँ हाँ वही मतलब बेसिकली क्वेश्चन है फॉर्मूला में दिक्कत है ना आपको। बेसिकली वही है सर, सही बात। सो फॉर्मूला का डेरिवेशन इससे कर लीजिए, वो फॉर्मूला है ना टैन एक्स मतलब कॉट एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू कॉट टू एक्स, यस और नो? कॉट टू